हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग। आज है अप्रैल 19 और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आज हमको डील करना है। सीजीपीएससी मेंस के आंसर शीट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए कितने लाइंस अलॉटेड होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आज पेपर फोर का मैथ्स का क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन ले रहे हैं मैथ्स का, 8 नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और स्टेप वाइज सॉल्व कर लीजिए। इसका जो स्पेसिंग होगी वो सिमिलर होगी जैसा रहती है हमारे मेंस के जीएस के आंसर राइटिंग में। जो 2019 का सीजीपीएससी मेंस था इसमें ब्लैंक सेक्शन दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए मैथ्स, लेकिन 2020 में रूल्ड दिया था, मतलब रूल्ड मतलब लाइन वाली, ठीक है। तो 8 मार्क्स के हिसाब से अगर 14 लाइन अलॉट होते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप 14 लाइन्स में सॉल्व करिए। मेरी पर्सनल ट्रिक ऐसी होती थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइन बने हुए हैं तो मैं बीच से मार्जिन से एक सेक्शन डिवाइड कर लेता था और यहाँ पे लेफ्ट में इक्वेशन लिखता था, फिर इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे आंसर करके मैं डब्बा डाल देता था। तो मैथ्स का जो ट्रिक है वो ये है कि बीच से मार्जिन खींचना है और जो भी आपका जो आंसर आ रहा है उसको डब्बा कर देना है और यहाँ पे लिखना है आंसर। स्कूल वाला जो सिस्टम है वो भी यहीं पे चलेगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पेपर फाइव में मूव करेंगे। कल से पेपर फाइव के जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो कौन से डील करने चाहिए मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके बताइएगा। और इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल 3 क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको। राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया, ये 8 नंबर में पूछा गया है। राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम नीम, ये 4 नंबर में पूछा गया है। राइट बेनिफिट्स एंड हजार्ड्स ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स, ये 4 नंबर में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसके मॉडल आंसर किस प्रकार से हो सकते हैं। ये एक मॉडल आंसर आया हुआ है, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम नीम, 4 नंबर में। तो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम नीम के लिए मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, स्टेप्स क्या है, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड मिक्सचर इज रेडी टू स्प्रे ऑन फील्ड्स, ठीक है। एक चीज़ है, ये बहुत ही अच्छा आंसर है, गुड इनफ आंसर है, इसमें कुछ नहीं तो 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे 4 में। लेकिन अगर आपको 3 के रेंज में जाना है सिमिलर ज्ञान को यूज़ करते हुए, तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, निंजा टेक्निक 1 नंबर बढ़ाने की। वो ये है कि सबसे पहले अगर आपको पता है कि ये चीज़ है ना, तो इन स्टेप्स को फ्लो चार्ट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्राई नीम सीड्स, ठीक है, सोक ओवरनाइट, ठीक है, जेंटली ग्राउंड एंड फिल्टर, ऐड वाटर इमल्सिफायर, पेस्टिसाइड रेडी टू यूज़, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसको यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं, जिस प्रकार से भी इसको, अगर ये स्टेप्स है ना तो इसको अगर थोड़ा सा आप ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर देंगे ना, छोटा छोटा 4 डब्बे बना के, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड होता है वो क्या होता है, एनीथिंग डेट रेसिस्ट पेस्ट। तो ज़रूरी नहीं है वो लिक्विड फॉर्म में हो, वो पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है, वो स्मोक के फॉर्म में हो सकती है। तो पहली चीज़ क्या है कि लीव्स को आप ऐसा कर लीजिए, ड्राई करके पाउडर बना दीजिए। दूसरा ये है कि जो कि यूजुअली प्रैक्टिस किया जाता है कि गांव में आप देखोगे सिलोज होते हैं, सिलोज या फिर ऐसे ग्रेनरी टाइप के होते हैं। यूजुअली यहाँ पे पैटर्न होता है, यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे एक स्लैब होता है, मिट्टी का स्लैब होता है, इसको हटाता है, यहाँ पे यूजुअली धान या फिर चावल रखा जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, इस पत्तियों को सुखा के यूजुअली गेहूं के साथ वहाँ पे रख दिया जाता है ताकि गेहूं में घुन ना लगे। तो इसको आप बता सकते हैं कि भाई सिर्फ जो लीफ को ड्राई करके जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं फूड ग्रेनरीज में। दूसरा ये होता है कि जब उसको स्टोर करते हैं उसके पहले नीम के जो पत्ते हैं उनमें आग लगा के वहाँ पे स्मोक किया जाता है, धुआं किया जाता है, तो ये आप बता सकते हैं। तीसरा ये कि जो जितने भी जो पेस्ट होते हैं या फिर जो भी इन्फेक्शंस होते हैं जिससे ह्यूमन सफ़र करते हैं, स्किन डिजीज वगैरह, तो उसमें भी जो नीम का पत्ता है पानी वो वाल से उसे नहाया जाता है। तो अगर कुछ समझ में ना आया तो ये वाला भी पर्टिकुलर पॉइंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। मालूम है कि ये पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर के रेफरेंस में पूछ रहा है, लेकिन आप इसको कुछ चाहे तो नीम के पत्ते से उबला हुआ पानी से भी यूज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रिलेट करेंगे ना चीज़ों को, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको डाल दो। तो यहाँ पे जो टिप है मेरी क्या है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको फ्लो चार्ट में ले आइए, ये फूड ग्रेनरीज वाला स्टेप कर लीजिए और ये स्मोक वाला भी स्टेप आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें लॉजिक लगा लीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं आप, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लॉजिक लगाना है, जो अपने बचपन से चीज़ें देखते आई हैं उसको बस इंक्लूड करना है एंड उसके बाद छोड़ देना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो मेरे साइड से ये था इसका मॉडल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राइट बेनिफिट्स एंड हजार्ड्स ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स। देखिए काफ़ी इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बेनिफिट्स में क्या होगा कि लेस टॉक्सिक होगा, इको फ्रेंडली, कुल मिला के बेनिफिट्स इसका जो है ना बायो इंसेक्टिसाइड्स के, वो बायो फर्टिलाइजर या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के टाइप के ही होंगे। तो जस्ट इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बायो इंसेक्टिसाइड का आंसर कैसे लिखे, तो ये जो बायो वाला जो कीवर्ड है ना इसके अराउंड आप तुक्का मार सकते हैं कि लेस टॉक्सिक है, ओनली अफेक्ट पेस्ट, डिकम्पोजेस क्विकली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रेज करता है, और ये सब चीज़ें तो कॉस्ट एफिशिएंट होती ही हैं।
ठीक है, उसके हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, बस यही कि इफेक्टिव नहीं होगा, स्लो होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी, स्टोरेज में दिक्कत होगी, बल्कि होगा, इफेक्टिवनेस ऐड कर सकते हैं। तो वही है कि अगर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको भापना कैसे है कि अगर बोल रहा है कि बायो इंसेक्टिसाइड्स, उसको रिलेट कर दीजिए, कहीं ना कहीं ये बायो फर्टिलाइजर टाइप का ही होगा और इसके जो बेनिफिट्स है हजार्ड है, इट विल बी सिमिलर टू बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें अगर कुछ आपको ऐड कर सकते हैं कि नो साइड इफेक्ट्स इफ एडेड इन एक्सेसिव क्वांटिटीज, ये भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी जो बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी इसके स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, आपका आंसर मोर और लेस उतना ही रहेगा। तो ये टेक्निक है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को भापने की, ये बायो वाला वर्ड पकड़ के। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मैंने निंजा टेक्निक बता दिए। एक तीसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। देखिए यहाँ पे जो चार्ट है काफ़ी अट्रैक्टिव, इसको हम लोग रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात हुई है, प्लानिंग की बात हुई है, प्राइसिंग की बात हुई है, हाट बाजार की बात हुई है। बहुत अच्छा ये हाट बाजार वाला बहुत अच्छा पॉइंट है। रूरल अर्बन मार्केटिंग ठीक है, डिजिटल एंड मोबाइल मार्केटिंग इसको पहले रखना था, लेकिन ठीक है। तो कुल मिला के इसमें से जो अच्छे एलिमेंट क्या है, ये चार्ट अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, एक हाट बाजार का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं इसको नेक्स्ट हम लोग ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं मेरे आंसर्स में। तो यहाँ पे इनका जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको हम लोग रखेंगे, और यहाँ पे जो हाट बाजार वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इसी के बेसिस में जो पर्टिकुलर जो आपके आंसर हो सकते हैं वो ये हो सकता है कि देखो भाई ई कॉमर्स इंक्लूड हो सकता है, फ्यूचर ऑफ रूरल मार्केटिंग पूछ रहा है ना कि भाई रूरल मार्केटिंग का भविष्य क्या है। तो ई कॉमर्स, वुमन एसएचजी के प्रोडक्ट्स, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे, जीआई टैक्स का यूज़ करते हुए इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है विदेशों में, ऑर्गेनिक ब्रांड्स डेवलप हो सकते हैं। इनके एग्जांपल दे दीजिएगा, जीआई टैग के एग्जांपल दे दीजिएगा। कुल मिला के ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको छत्तीसगढ़ जीएस के फ्लेवर में अप्रोच करना है। जो भी कीवर्ड्स आप हमारे स्टेट में सुन रहे हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल वुमेन एसएचजी हमने सुना है अपने स्टेट में, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क सुना है, जीआई टैग सुना है, ऑर्गेनिक ब्रांड सुने हैं चावल के, उसके बाद हाट बाज़ार योजना या फिर जो पर्टिकुलर योजना चल रही है जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स है यहाँ से अपने चार पांच पॉइंट निकल गए। तो इंडिया का मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ अप्लाई नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ का मतलब ये नहीं है कि इंडिया अप्लाई नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे के एलिमेंट्स को लेते हुए चलेंगे। जिस प्रकार से बायो इंसेक्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर का आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, उसी तरीके से इंडिया जीएस का जो एलिमेंट्स है वो सीजीजीएस में यूज़ होंगे, सीजीजीएस का जो एलिमेंट्स है वो इंडिया जीएस में यूज़ होंगे। तो यहाँ पे आप वुमेन एसएचजी रूरल ये हब एंड स्पोक डाल दीजिए एक, अगर आपको पता है तो हाट बाजार डाल दीजिए, और यहाँ पे इनके बारे में एक एक लाइन लिख दीजिए और इनके एग्जांपल लिख दीजिए कुछ कुछ, ठीक है। तो ये लिख के आप इसको क्लोज कर सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर हो जाता है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा एफर्ट था ये, इसमें थोड़ा सा जो एडिशन है उन्होंने अपनी साइड से कर दिया, मोर और लेस आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो मार्क्स अलॉट कर देते हैं, 4 मार्क का है तो इसमें लगभग दे देते हैं 2 मार्क आउट ऑफ 4। बेनिफिट्स इन हजार्ड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स में 3 मार्क दे देता आउट ऑफ 4, ठीक है। और साइड शॉर्ट नोट ऑफ फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, ये इंप्रूव हो सकता था तो इसमें 3.5 देता हूँ मैं 8 में, थोड़ी सी हार्श मार्किंग है इसमें, लेकिन आप इंप्रूव करेंगे इन लॉट ऑफ, ठीक है। इस प्रकार से हमने देख लिया पेपर 4 के क्वेश्चन, ये है कल का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि आपको कमेंट करके बताना है कि पेपर 5 के किसी भी पार्ट से कौन से ओपन एंडेड क्वेश्चन डील किया जाए, साथ में मेंशन करिएगा कि कौन से ईयर में आया हुआ है वो सीजीपीएससी मेंस में, तो मैं उसको डील करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेंस की पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के डिटेल स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो ये मेरी स्टडी आई की प्लेलिस्ट, चुपचाप इसको गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा एंड इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी बारीकी से 1-1 घंटे एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर में। टेलीग्राम के ग्रुप से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं पिछले 2-3 दिनों से, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे इंटरफेयर ना करना पड़े। आप लोग सेल्फ रेगुलेट करिए, मर्यादित भाषा में बात करिए एक दूसरे से, और एकेडमिक ग्रुप है, ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पहले नहीं था किसी के पास, यू आर वेरी लकी कि आपका ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आपको। तो प्लीज़ यहाँ पे अपने एकेडमिक से काम रखिए, बाकी जितने भी पब्लिक ओपिनियन से उसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए। मैं पर्टिकुलरली इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, एंड मुझे लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, एक दूसरे को इंकरेज कर सकते हैं कुछ अच्छा करने के लाइफ में। तो प्लीज़ मॉडरेट करिए अपने एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़, और पॉजिटिव कमेंट्स ही करिए। अगर आपको लगता है कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो अपने तक रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाले पे क्या इफेक्ट हो सकता है उस चीज़ का।
जस्ट बी काम कंपोज्ड एंड एकेडमिकली ओरिएंटेड। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचना चाहते हैं तो डायरेक्टली स्कैन कर लीजिए इस कोड को, आप पहुंच जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को फॉर CGPSC रिलेटेड अफेयर्स। पढ़ाई में ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे इग्नोर करिए और मेंटली स्ट्रांग रहिए और करते रहिए डेली आंसर राइटिंग। योर स्कोर्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। इजाज़त देते हैं आपसे, जय हिंद।